प्लीज़ मैंने बहुत एफर्ट किए हैं एंड प्लीज़ अप्रिशिएट इट, सॉरी। लाइक लिफ्ट हो जाती है ना आपकी जो आईब्रोज होती है, सो आईब्रोज नहीं है ना। सबसे पहले हम एक लगाने वाले हैं प्राइमर। नो प्राइमर, क्या हो रहा है? अरे इट इज मेकअप फिक्सर बाय Welcome back to my channel Alpa's Nest. मैं हूँ अल्पा एंड अगेन आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है वो है मेरा ये वाला मेकअप लुक। ये है नवरात्रि और दुर्गा पूजा मेकअप लुक एंड प्लीज़ अप्रिशिएट माई एफर्ट। और अगर आप नए हो जो और जिन्होंने मुझे आज पहली बार देखा है तो मैं आपको बता दूँ कि मैं हूँ अल्पा एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माई चैनल। एंड प्लीज़ दो मिनट निकाल के सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए फटाफट से हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड आप देखिए इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है। एंड प्लीज़ डू कमेंट आल्सो और मुझे बताना कि मेरे ऊपर स्ट्रेट बाल अच्छे लगते हैं या फिर ऑलवेज कर्ली एंड वेवी। जैसे कि आप सबको जो कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको पता है कि मेरा जो हेयर का टेक्स्चर है वो काफ़ी वेवी एंड काइंड ऑफ कर्ली है। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा लुक चेंज किया जाए एंड बालों को स्ट्रेट किया जाए। तो साथ साथ इसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई हैं जिससे जिनको यूज़ करके आप अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो एंड कैसे अपने काजल को लॉन्ग लास्टिंग बनाओ इसमें ये भी बताया गया है। और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए, उनको लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड। अभी मैं ले रही हूँ अपना फेवरेट प्राइमर और मैं उसको लगाने वाली हूँ। मैं अपनी स्किन केयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी और मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो डाली हुई है बहुत बार, तो मैंने आज रिकॉर्ड नहीं करी है। और अब मैं लगा रही हूँ प्राइमर। सबसे पहले मैं अपनी नोज़ एंड ये जो एरिया है ना यहाँ पर लगाऊंगी और जो बचेगा उसको पूरे फेस पे लगा लूंगी। को मैंने अच्छी तरह अपने फेस पर लगा लिया है प्राइमर को एंड अब मैं लगाने वाली हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मेरे पास दो सैंपल्स हैं और ये मुझे एक्चुअली एक क्या कॉम्बो में मिले थे। ये है मैक का, ये मेरे पास आया था, मैं इसको ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी हूँ। और एक है मेरे पास ये एस्टी लॉडर का। तो गाइस आप ये देख पा रहे हो, मैंने दोनों ही फाउंडेशन को अपने हैंड पर ले लिया है। ये जो डार्क वाला है दैट इज़ NC42 विच इज़ अ बिट डार्कर फॉर मी। और ये जो शेड है ये है आपका, लेट मी चेक द नेम, ये है एस्टी लॉडर का 2W2 रतन, ये शेड है। तो आई थिंक ये वाला जो शेड है दैट इज़ फाइन फॉर मी, बट मैं इसको थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करूँगी एंड मैं इसको कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ करूँगी इस मैक वाले शेड को। फाइन, तो देखो ये है ना काफ़ी वाइट है। और ये जो शेड है मैक वाला ये है NC42। तो मैं दोनों शेड्स को ऐसे लगाऊंगी सो दैट मेरी कॉन्टोरिंग भी साथ साथ हो जाए। तो मैंने दोनों ही शेड्स को अपने फेस पे लगा लिया और अब ये डैम्प स्पंज है जिसको मैं अच्छी तरह से गीला करके मैंने कर लिया। मैं धीरे धीरे इसको ऐसे ऐसे करके अपने पूरे फेस पर डैप डैप मोशन में अप्लाई कर रही हूँ इस फाउंडेशन। दोनों शेड मिला के मेरा शेड बन गया है। तो आपके पास जब भी कभी आप धोखे से डार्क फाउंडेशन बाय कर लेते हो तो आप उसमें कोई भी लाइट कलर का फाउंडेशन या कंसीलर ऐड करके आप उसको अपने शेड का बना सकते हो।
अच्छा लग रहा है ना। अब मैंने इसको काफ़ी अच्छी तरह अपने फेस पर इवनली कर लिया है। अब मैं दूसरी साइड ऑफ द स्पंज यूज़ करूँगी सो दैट जो एक्स्ट्रा होगा वो बाहर आ जाए, बट मोशन सेम रखना है हमें। डैप 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 डैप। अब हम बाकी बचे हुए को गले पर भी लगा लेंगे, राइट। के लिए मैं आज ले रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का इंस्टेंट एज डिवाइन इरेजर, और ये मल्टीटी यूज कंसीलर है। शेड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अभी मुझे नहीं नज़र आ रहा है। फाइन, तो इसको हमने ऐसे लिया। मैं अपने जो हाईलाइट जो एरियाज को मुझे, जैसे मेरे को थोड़े से डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, इनको हाईलाइट करने के लिए, इनको मतलब कवर अप करने के लिए ऐसे करके। और पता है हाईलाइट का जो होता है ट्रेंड हमेशा चेंज होता रहता है। पहले वो वी वाला चलता था, इस समय ये वाला चल रहा है। इससे क्या होता है कि आपका जो फेस होता है ना वो थोड़ा लिफ्टेड अप लगता है। और तो आप ट्रेंड को देखिए या आप अपनी चॉइस कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप वो करो, ठीक है ना। मेकअप इज़ अ आर्ट, और जो आपको खुद को अच्छा लगता है वही करो। अब मैं अपने जो एरियाज को हाईलाइट करना चाहती हूँ अब मैं उनके पास इसको लगा रही हूँ। सो बस ये मैंने यहाँ अपने एरियाज पर अच्छी तरह से हाइलाइटर लगा लिया है, और अब उसी सेम स्पॉन्ज से मैं इसको डैप डैप करके करूँगी। ये मेरा एले गर्ल का जो लूज पाउडर है उसको मैं यूज कर रही हूँ। उसको ऐसे करके थोड़ा सा इसमें ले लिया है मैंने, और अब मैं अपने ब्रश से जहाँ जहाँ आप कंसीलर लगाते हो ना वहाँ पे आपको पाउडर जरूर लगाना है, वरना ही आपके जो एरिया जहाँ जहाँ कंसीलर लगाए वो एरिया क्रीज कर जाएंगे, और जब आप अपनी आंखें ऐसे खोलोगे बंद करोगे तो यहाँ पर एक लाइन से पड़ जाएगी, और यहाँ पे स्पेशली जहाँ पे स्माइलिंग एरिया होता है ना ये वाली लाइन पड़ जाती है। तो जहाँ पर भी आपने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ पे आपको इसको लगाना है ज़रूरी। अब बाकी तो मैं पूरा ही बेस इससे सेट करने वाली हूँ। तो ये मैंने सेम लिया है शुगर का पैलेट, और इससे मैं करूँगी कॉन्टूरिंग। काफ़ी सन किस्ड लुक आता है, और बहुत अच्छे से आप अपने फेस की जो डायमेंशन होते हैं ना उनको थोड़ा सा स्टाइल कर सकते हो, थोड़ा सा लीन कर सकते हो। बट आपको अच्छा लगता है तो करो, नहीं लगता मत करो, ठीक है ना। तो आपको जो पसंद आए, जो आपको अपने फेस को जो अच्छा लगता है वो। तो थोड़ा सा ऐसे नीचे नीचे भी कर लिया देखो, हो गया ना। नोज रह गई है, बस नोज करते हैं। सो कॉन्टोरिंग हो चुकी है, और अब मैं ले रही हूँ ये स्वीट स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट शैडो पैलेट, एंड इट इज नंबर 7। तो इस वाले पैलेट का ये जो ब्राउन सा शेड है ना, डार्क ब्राउन शेड है, मैट में है, हम इसको लेंगे और इससे हम अपनी क्रीज बिल्डअप करेंगे पहले, ठीक है। मैंने लिया है एक बिग फ्लफी ब्रश, देख लो। अब इसको हमें सिंपल एक दूसरा ब्रश लेकर को हमें ब्लेंड करना है, तक
ताकि वो एजेस दिखाई ना दे। तो अब मैंने अपनी क्रीज दोनों आईज की बिल्डअप कर ली है विद ब्राउन मैट शेड, आप देख पा रहे होंगे ना। तो अब हमें क्या करना है, अब हम लेंगे एक पेंसिल ब्रश, क्योंकि मुझे जो ये अपने साइड का आउटर वी है ना उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना है और बोल्ड करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं सेम ब्राउन शेड ही लूँगी मैट वाला, बट मैं अब इस पेंसिल ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी और एंड यू विल सी द डिफरेंस कि जब हम उसको फ्लफी ब्रश से लगाते हैं तो वो कैसे ब्लेंड होता है और जब हम उसको पेंसिल ब्रश से लगाते हैं ना तो प्रॉपर शेप आती है। आप देखो दिख रहे हो, तो इसके लिए हमेशा ऐसी शेप देनी हो तो पेंसिल ब्रश यूज करना। तो आप देखो पेन ब्रश से करने से काफी पॉइंटेड आया है ना लुक आईज का, और आंखें बड़ी बड़ी भी लग रही है ना। तो इस तरीके से करते हैं, अब हम थोड़ा सा इसको इसके साथ अपनी ऊपर वाली लाइन के साथ मर्ज कर देंगे। हम सिर्फ ब्राउन, अभी तक आप देखो मैंने सिर्फ एक ही शेड यूज किया है एंड और मुझे कोई शेड यूज नहीं करना। देखिए हाउ इज इट लुकिंग फाइन। तो अब मैंने इसी सेम पैलेट से, ये रोज गोल्ड सा कलर है उसको मैं थोड़ा सा ले रही हूँ और मैंने एक फ्लैट शेडर ब्रश से यहाँ पर मैंने अपनी आईज को आप देखो थोड़ा सा शिमर लगा के इसको ऐसे बना लिया है। कैसे लग रहा है, लाइट मेकअप है बट थोड़ा सा एजेस ब्राउन है, तो काइंड ऑफ स्मोकी आई लुक देने की कोशिश की है इसको बट इन अ ब्राउन शेड ना। तो चलो अब सेम जो हमारा वो पेंसिल ब्रश था ना जिससे हमने यहाँ पे साइड के कॉर्नर्स को हाईलाइट किया है, अब उसी सेम ब्रश से मैं अपने लोअर लैश लाइन पर भी ये ब्राउन शेड ही लगा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ही चाहिए, अभी ज़्यादा मत लगाना, बहुत कम लेना चाहिए यहाँ पर, वरना थोड़ा से ज़्यादा ले लेते हैं ना तो वो फैलने का डर ज़्यादा रहता है। और जब भी आप ऐसे करो ना तो उसको इस वाली जो आउटर विंग सा जा रहा है इससे कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो देखिए मैंने अपनी लोअर लैश लाइन को भी कर लिया है, लोअर वाटर लाइन को भी मैंने उस ब्राउन कलर से हल्का सा कर लिया है एंड अब मैं लगाने वाली हूँ NYV का ब्लैक आईलाइनर। चलिए आईलाइनर लग गया है, अब हम जल्दी से कर लेते हैं अपनी आईब्रोज। मैं यूज कर रही हूँ शुगर का ब्राउ एनहांसर। आईब्रोज हो गई है सेट और अब मैं लगा रही हूँ अपना फेवरेट लॉरियल का वॉल्यूम मिलियन लैशेज एक्स्ट्रा ब्लैक मस्कारा। मैं आज अपना मैं आई लैशेज को कर्ल करना भूल गई हूँ, बट अगर कर्ल कर लेते हैं तो बहुत अच्छी लाइक लिफ्ट हो जाती है ना आपकी जो आई। तो मेरा मस्कारा लग चुका है, अच्छा लग रहा है। अब मैं थोड़ा सा लगाऊंगी काजल है ना, थोड़ा सा क्यों प्रॉपर लगाएंगे है ना। तो ये मेरा है फेस का काजल, इन शेड ब्लैक। मैंने सारा वाटरप्रूफ जो मेकअप है वो यूज किया है ऑलमोस्ट, सो दैट कि वो फैल ना जाए, लाइक पसीना है अभी आपको पता है जब हम नगरबा के लिए जाते हैं तो वो फैल सकता है ना,
तो अब मैंने यहाँ पे एक लेयर लगा ली है, मैंने काजल लगा लिया है। अब हम करेंगे इसको स्मोक आउट विद ब्लैक आई शेडो, और ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आई एम टेलिंग यू गाइस। अगर आप इसको करते हो ना तो आपका जो काजल है वो कभी भी स्मज नहीं होगा, और मैंने लिटरली इसको ट्राई किया हुआ है, तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे स्मोक आउट करूँगी। सो आपने क्या करना है, एक ऐसा फ्लैट शेडर ब्रश देखो ये है, इसको लेना है और ब्लैक आई शेडो लेना है कोई। मैंने वैसे अपने एल्फ वाले के साथ इस ट्रिक को ट्राई किया है, अभी इस पर आ गया, एक्स्ट्रा को हमने हटाया और अब हमें कैसे लगाना है ये है ट्रिक, ठीक है। अब हमने अपने काजल पर ऐसे धीरे धीरे बस इसको रखना है, बस इसको ऐसे ऐसे करके नहीं करना, सिर्फ रखना है देखो। इसने मेरे काजल को मैटिफाई कर दिया है और अब इसको ये हिलने भी नहीं देगा। अब मैं थोड़ा सा काजल और ले रही हूँ, एक्स्ट्रा मैंने हटा दिया। ये देखिए बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। अब इस ड्रेस के साथ है मेरी रेड चुन्नी, तो मैं लगा रही हूँ रेड चुन्नी। फाइन, तो अब रह गया है हाइलाइटर और ब्लश, जल्दी से उसको कर लेते हैं। तो मैं अपना फेवरेट शुगर का पैलेट ही लूंगी फॉर हाइलाइटर एंड दैट, एंड चलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे ब्लश, करो एंड हाइलाइटर लगाओ, हमेशा ऐसे ऊपर करके लगाना है। काफी सी फ्रेश फीलिंग आती है आपको हाइलाइटर लगाकर। ब्रश मैंने लगा लिया है, अब मैं लगाने जा रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए वैसे ही मैंने ब्रश सेट मंगाया था फॉर आईज के मेकअप के लिए, बट किसी काम का नहीं है। बट नाउ अब आई एम यूजिंग इट एज हाइलाइटर ब्रश, क्या करें, यूज़ तो करना है भाई। अब एक्स्ट्रा हटाया थोड़ा सा, यार हाइलाइटर तो बहुत अच्छा लग रहा है इससे, कंपनी से गलती तो नहीं होगी। यार बहुत अच्छा लग रहा है इससे हाइलाइटर मुझे। अब कुछ एरियाज पर जहां मुझको हाईलाइट करना होता है वहां पर मैं इस हाइलाइटर को लगा लूंगी। सो मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है, अब लिपस्टिक लगा लेते हैं। लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ अपना फेवरेट मेबलिन का सुपर स्टे मैटिंग, और शेड इज एम्बिशियस, बहुत प्यारा रेड है। एंड मुझे वैसे भी जब हम नवरात्रि के लिए तैयार हो रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली ऐसा मेकअप चाहिए जो, और ऐसी लिपस्टिक चाहिए जो काफ़ी देर तक स्टे करे, तो चलो इसको ट्राई करते हैं। सो गाइज लिपस्टिक डन हो चुकी है, ये है मेरा फाइनल लुक। बट अभी वेट करना है, जाना नहीं, क्योंकि आई एम कमिंग विद माई एसेसरीज नाउ। तो जल्दी से एक बार एसेसरीज पहन कर आती हूँ, बट सबसे पहले हम एक लगाने वाले हैं आपका फिक्सर बाय स्विस ब्यूटी। ये मेरा आजकल का करंट फेवरेट है, और सच बता रही हूँ मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो चलो जल्दी से इसको अप्लाई कर लें, ताकि हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग स्टे करे एंड ख़राब नहीं हो। ओके, बड़ी अच्छी लेमन वाली फ्रेगनेंस है इसकी, इसको बस ऐसे ही नेचुरली होने दो। इससे क्या होगा, जो हमने जितने भी पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट्स लगाए थे ना वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और अलग से पाउडरी पाउडरी नहीं लगेगा फिर।
सो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक। मैं आई एम रेडी विथ माई ज्वेलरी। अभी दुपट्टा रह गया है, बट मैं ये सोच रही थी दुपट्टा पहनने से पहले मुझे कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है, क्योंकि आई वॉज फीलिंग कि मुझे यहाँ पर एक कोई टीका होना चाहिए था, क्योंकि नवरात्रि लुक तो बिना टीके के अधूरा लगता है। बट मेरे पास तो टीका है ही नहीं है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में। अच्छा, मेरे पास ना बहुत सारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है। अगर आपको मेरा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का कलेक्शन देखना है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, और मैं एक दिन उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, है ना। फिलहाल बात करें कि अब क्या करें जब हमें अब हमें जब वो चाहिए टीका लगाना है बट टीका नहीं है, तो इसके से पता हम क्या कर सकते हैं। ये देखो, ये मेरा इयर रिंग है और मैं इस इयर रिंग से अपना टीका बनाने वाली हूँ। चलो देखो मैं इसे कैसे बना रही हूँ। क्या करेंगे हम ऐसे करके, पार्टिंग लेने से भी बेटर है कि हम इसको अच्छे करके लगाएं। सिंपल तरीका तो ये है कि आप एक छोटा सा ऐसे मिडल वाली पार्टिंग लेके और टिक टैक क्लिप से उसको रोक, है ना। अच्छा, आप लोगों ने मुझे पहली बार स्ट्रेट हेयर्स में देखा है तो प्लीज़ कमेंट बिलो कि मैं स्ट्रेट हेयर्स में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ या कर्ली हेयर्स में और वेवी हेयर्स में, क्योंकि मेरा ओरिजिनल टेक्स्चर तो वही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल देखा कितना इजी है, मैंने अपनी इयररिंग को सिंपली उसके हुक को इसमें फंसा दिया है और ये मेरा लुक रेडी हो गया। यू हैव लाइक दिस मेकअप लुक, और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू ऑल आर वॉचिंग मी एंड यू हैव बीन देयर फॉर मी। थैंक्स अ लॉट, सीरियसली थैंक यू। और अगर आप नवरात्रि में या दुर्गा पूजा में इस मेकअप लुक को करते हो तो मुझे ज़रूर टैग करना, इंस्टाग्राम हैंडल मैंने यहाँ दिया हुआ है, मुझे ज़रूर टैग कीजिएगा। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स, लव यू ऑल। एंड आपको ये ट्रिक्स भी कैसी लगी जो मैंने इसमें शेयर की थी, अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ शेयर करो इस वीडियो को। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग एंड लव यू ऑल, बाय।